क्लास नाइन मैथ चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई एंगल बी ए सी गिवन है 35 डिग्री और एंगल सी डी ई गिवन है 53 डिग्री फाइंड एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई हमने निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले इसकी फिगर को हम समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास फिगर है, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है डी ई। ए बी और डी ई दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो एंगल कौन सा दे रखा है, बी ए ई, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 35 डिग्री और एंगल सी डी ई ये एंगल हमें दिया है 53 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है डी सी ई, ये वाला एंगल हमने निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूँ कैसे, रफली बता देता हूँ। पहले जैसे ये ए बी और डी ई पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। ये 53 है, ये 35 है। अगर ये एंगल निकालना हो तीनों एंगल को, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम कर देंगे हम 180 के इक्वल, ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ट्रांसवर्सल ए ई, ट्रांसवर्सल ए ई इंटरसेक्ट देम एट ए एंड ई रिस्पेक्टिवली, इसलिए एंगल वन क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। एंगल वन क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। इसको मैंने मान लिया एंगल वन, ठीक है। सी ई डी को मैंने मान लिया एंगल वन। अब देखो कैसे, मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये था ए बी, ये लाइन थी ए बी और ये लाइन थी मान लो डी ई, ठीक है। ए बी और डी ई ऐसे, ये ऐसे इसको कट कर रही है ए ई, ठीक है। ये बीच में कोई आया होगा पॉइंट सी, हम उसको नहीं ले रहे, ठीक है। अभी सिर्फ हम ऐसे सीधा ले रहे हैं, ये ए बी है, ये डी ए कट कर रही है। अगर ये एंगल 35 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ठीक है। इसलिए एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के हो जाएगा, लिख देंगे हम अल्टरनेट एंगल। तो हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल कितना आया, 35 डिग्री। बस अब बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन हमारा लगभग हो चुका है। अब ले लेंगे हम ये वाली ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई। नाउ इन ट्राइंगल, या फिर कह लो डी डी ई सी, जैसे मर्जी कह लो, इन ट्राइंगल डी ई सी, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, 53 प्लस 35 यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल डी सी ई, जो हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एंगल वन तो हमने निकाला था 35, तो क्या हो जाएगा भाई, 53 प्लस 35 88 इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इक्वल के उधर 180 में से 88 को माइनस किया, हमारे पास आया 92, तो ये वाला एंगल भी हमारा निकल गया जो हमने फाइंड आउट करना था, 92 डिग्री। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच डैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री गिवन है, एंगल आर पी टी 95 डिग्री गिवन है, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, और हमने निकालना क्या है, एंगल एस क्यू टी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, जरा फिगर देखो, पहले फिगर समझ में आ गई तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास क्या था भाई, ये वाला एंगल गिवन था, ठीक है, 95 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री, ये एंगल गिवन है 75 डिग्री। हमने क्या निकालना है, एंगल एस क्यू टी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी है, देखो पहले रफ बताता हूँ मैं। ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है पी आर टी, ये वाली ट्राइंगल बन रही है, और एक ट्राइंगल ये बन रही है। पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैंने अगर एंगल वन मान लेता हूँ तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल वन निकल जाएगा, एंगल वन निकल जाएगा ये वाला। अगर एंगल वन निकल गया तो इसके सामने वाला क्या बना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। ये वाला एंगल भी हमें पता लग गया, ठीक है, इसके इक्वल है जो, ठीक है। अब नीचे वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली ट्राइंगल जब हमने ली 75, ये वाला एंगल
और प्लस ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ये वाला हमारा SQT निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, इन ट्राइंगल PRT ले लिया हमने, इसको मान लिया मैंने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 1, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। 95 प्लस 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया 135 आया, 135 जब उधर जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 180 माइनस 135 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, एंगल 1 हमारा आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, जब ऐसे क्रॉस सा लगता है तो जो आप आमने सामने वाले एंगल हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसको आप कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 45 है तो ये भी 40। अगर मैं इसको एंगल 2 लेता हूँ तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 भी कितना आ गया, एंगल 2 भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब नीचे वाली ट्राइंगल ले लो, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन नाउ इन ट्राइंगल TQS ले ली हमने, वी हैव TQS ले ली, इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल टू प्लस 75 डिग्री, और एंगल तीसरा कौन सा है, ये वाला SQT। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये 45 था, लिख दिया हमने, ये 45 प्लस 75 120 इधर प्लस कर रहा है, जब इक्वल के जब उधर जाएगा तो माइनस कर देगा। 180 माइनस 120 हमारे पास बचा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 60 डिग्री, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।